सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश वसीं। तो आज हम बात करेंगे 28th ऑफ मई को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है, क्या वो और अपसाइड दिखा सकते हैं कि अब उसका गिरना फिर से तय है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को रीड करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि आपको थंबनेल में भी और यहाँ पर शो कर रहा है कि हम आपको स्टॉक्स सजेस्ट नहीं करेंगे। तो हाँ, ये बात सही है कि अब से इस चैनल के अंदर मैं आपको पर्टिकुलर जो मार्केट में आपको कल खरीद के चलने वो पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको सजेस्ट नहीं करे जाएंगे। हमने देखा था, मैंने आपको 5-6 महीने से कॉल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप लोगों ने अच्छे से उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया था। अब उस इंटरेस्ट को मैं पेड सर्विस में ही शुरू कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं पेड सर्विस में। अगर आप लोगों को भी मेरी इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो आप भी उस पेड सर्विस के अंदर जा सकते हैं। मैंने अभी 2 वीडियो अपलोड कर रखी है मेरे चैनल के अंदर। मेरे आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर इंट्राडे गाइड पेड सॉल्यूशन मैंने सब पोस्ट करा रहा है, आप उसे एक बार रीड कर सकते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप एक बार उन्हें ट्रायल पे ले सकते हैं। तो अब मैं आपको अपने के बारे में, चैनल के बारे में छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, फिर मैं आपको अपने निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने वो अपना सेशन तो ड्रॉप आउट कर दिया है, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको मार्केट में कल मार्केट में क्या खरीद के चलना है। पर आपकी जो भी क्वेरीज है पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कि वो कहां तक जा सकता है, वो कितना गिर सकता है, तो वो पर्टिकुलर क्वेरीज में आपकी सॉल्व करूंगा। तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर वो पर्टिकुलर क्वेरीज बताइए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, वो मैं आपके लिए पब्लिश जरूर करूंगा। और एक खास बात और, मैं अपनी चैनल के अंदर एक फ्यूचर प्लान लेकर आने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को भी सब्सक्रिप्शन नहीं करना पड़ेगा। उसके अंदर मैं आपको कंपनी की कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं पूरा आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा। आपको आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए, जो प्रोफेशनल बेसिस में जो वैल्यूएशन लोग निकालते हैं। आप अगर एक कोई इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे वो आपसे 40-50 हज़ार रुपए कोर्स की फीस ले लेंगे और वो आपको सिखाएंगे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के अंदर सिखाने वाला हूँ। एक ये ऐसा पहला यूट्यूब चैनल बनने वाला है जो आपको वैल्यूएशन निकालना सिखाएगा, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट्स आगे 5 साल में कैसे आ सकते हैं। अगर आप देखते होंगे टीवीज और न्यूज चैनल्स के अंदर जो ये न्यूज चैनल्स प्रोवाइड होते हैं, वो भी जो एनालिस्ट होते हैं वो भी हमें बताते हैं कि ऐसे अनुमान है कि ऐसे उसके नतीजे आ सकते हैं। वो सारे अनुमान मैं आपको इस चैनल के थ्रू समझाने वाला हूँ। ये 2.5 महीने का कोर्स रहेगा जो आपको पूरा वीडियोस के थ्रू समझाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी ऑप्शन स्ट्रेटजी आपको सिखाई जाएगी, जिसमें हमें आपके लिए मैं 10 से 15 वीडियोस पोस्ट करूंगा जो आपको A to Z सिखाई जाएगी। सारी स्ट्रेटजीज, हेजिंग कैसे करनी है, आपको फ्यूचर्स में कैसे हेज करना है, फंडामेंटली पूरे तरीके से आपको समझाया जाएगा, टेक्निकली पूरी तरीके से समझाया जाएगा। तो एक बार इस चैनल पे आप बने रहिए, इस चैनल पे आपको सारी चीजें अप टू डेट रखी जाएंगी। पहला ऐसा चैनल बनने वाला है ये YouTube के अंदर जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, वैल्यूएशन से लेकर फ्यूचर प्रिडिक्शन करना है कि कैसे उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, सारी चीजें आपको इस चैनल के अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये फ्यूचर प्लान पसंद आया तो इसकी पूरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जल्दी वो आपको शो कर जाएगी। तो बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमने जिस तरीके से देखा था दो दिन से कंसेक्यूटिव अपर साइड में मूव दिखा रही है। तो ये मूव दिखाने का सिस्टम क्या था, क्यों इसने ऐसी मूव दिखाई है, तो आज हम इस मूव के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो आपने देखा होगा कि मैं आपको हमेशा ये चार्ट शो करता हूँ, जिसमें मैं आपके लिए बहुत सी ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस बना के रखी हुई है। आज मैं आपको ये ट्रेंड लाइन पूरी अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ और फिर आपको चार्ट्स में हम पूरे तरीके से समझाएंगे कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको एक कैंडल शो कर रही होगी, रेड कलर की कैंडल, जिसने एक दिन में यहां से गिरावट दिखानी शुरू करी थी 10,800 से लेकर 10,400 तक। तो जो ये गिरावट थी, इस गिरावट को हमें फुलफिल करना था। तो एक अगर आप मान के चले तो ये एक सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, और जहां तक ये गिरा था वो एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अब आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी जो ऐसे में जा रही है, और एक ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी जो ऐसे में जा रही है। ये है जो ये एक रेंज बाउंड में रह गया था, आप देख सकते हैं ये एक रेंज बाउंड में था ऐसे, आप देख सकते हैं। तो इस रेंज बाउंड से हमें निकलना था, और इस रेंज बाउंड के निकलने के बाद हमने बोला था आपको कि बहुत तेज अप मूव आएगी,
हमने देखा था इस रेंज के ऊपर निकला था, और फिर हमने कहा था जो रेजिस्टेंस इसका बनेगा वो 10,400 का बनेगा। जैसे ही 10,400 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करा, हमने बोला था जो इसका अपर साइड मूवमेंट है वो 10,700 10,800 के आसपास आएगा। हमने देखा था वहीं पर इसने अपना हाई बनाया, थोड़े दिन वहीं पर वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद से हमने एक कंसेक्यूटिव फॉल आते हुए देखी। हमने जिस तरीके से फॉल आते हुए देखी है वो चाहे न्यूज फ्लो फॉल हो, पर हमें चार्ट्स पहले से ही बता देते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, अब यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप ये लेवल देख रहे हैं, इस लेवल पे अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो गई थी, इसने बोला था कि अब ओवरबोट हो गई थी, अब हमने इसने बोला था कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है, तो हमने देखा था एक करेक्शन आया था। जो मैंने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया, और डबल बॉटम के बाद इसने फिर कंसेक्यूटिव फॉल ऊपर के लेवल्स बनाने शुरू कर दिए, और ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनाया हुआ है, 50% का रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 10,560 है उसे क्रॉस करा, और हमने देखा कि उसने कंसेक्यूटिव वहां पर अपना क्लोजिंग दिया 10,610 के आसपास। तो अब हमें मार्केट में देखना है कि कल ये 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर सस्टेन कर पाती है, क्लोजिंग दे पाती है या नहीं दे पाती है। अगर निफ्टी अगर हम बात करें 10,560 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो नेक्स्ट टारगेट होगा 10,700, और 10,780 का टारगेट बनेगा। 10,780 का अगर हम ऐसे बात करें तो वो 68.18 का 61.8 रिट्रेसमेंट का लेवल है, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही टारगेट है जिसे वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है। अगर हम बात करते हैं जो इसने हाई बनाया, अगर उस हाई के ऊपर ही अपना सस्टेन करके क्लोजिंग दे देता है कंसेक्यूटिव 2 डेज के अंदर अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टॉप बना था 11,000 के आसपास, 11,100 के आसपास, वो हमें अचीव होते हुए दिख जाएगा इस साल के अंदर अंदर ही। तो हम देख सकते हैं कि अब आपको रेंज पता चल गई होगी कि ये अपर साइड में रेंज है 10,780, लोअर साइड में जो रेंज बनती हुई आ रही है वो 10,410 की बनती हुई आ रही है। तो अगर आपको जिसके आसपास मिलता है आप अगर वहां से ट्रेड करेंगे तो आप सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो मैंने बहुत से लोगों को भी यहाँ पर 10,410 के आसपास बाय करने की सलाह दी थी, और उन लोगों ने बहुत कंसेक्यूटिव प्रॉफिट बनाया था। अब ये एक बिटवीन में आ गया, अगर हम बात करें ये रेंज के बीचों बीच आके ट्रेड करा है, 10,600 का जो रेंज है बीच का रेंज है, हमें देखना है कि ये कंसेक्यूटिव कहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपना क्लोजिंग देता है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। 10,600 पे इसने क्लोजिंग दिया है, अब हमें देखना है मंडे को ये किस तरफ ट्रेड करता है। अगर ये 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा 50% का रिट्रेसमेंट, और ऊपर अपसाइड में हम जो बात कर सकते हैं वो 10,700 10,780 की बात कर सकते हैं। तो ये तो था निफ्टी का बात, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे भी आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, आपको निफ्टी पे एक बात और बताना भूल गया, आरएसआई आप देख सकते हैं, आरएसआई अभी 47 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं डेली चार्ट में, तो हम कह सकते हैं ये और ऊपर अभी जा सकता है निफ्टी, तो आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने देखा था बैंक निफ्टी ने भी एक कंसेक्यूटिव फॉल दिया था जिस तरीके से बजट पे ऐलान हुए थे, हमने देखा था ये जो आपको दिख रही है ये एक रेंज बन गई थी जिस रेंज में एक कंसेक्यूटिव फॉल दे रहा था। मैंने आपको कहा था ये रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, इस रेंज के ऊपर हम निकलेंगे, ये जो आपको लाइन शो कर रही होगी हमने बोला था इस रेंज के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम कंसेक्यूटिव ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखने को मिल जाएंगे, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल होगा। तो हमने देखा था कि हमने यहां तक की अकूफ देखी थी, फिर वहां से गिरावट आई थी, और वो इस लेवल को वापस टेस्ट करा था इसने। टेस्ट की बात करें तो उसने अपना लो बनाया था उस इंट्राडे के अंदर, पर वहां सस्टेन नहीं कर पाया और हमने फिर ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखे। तो यहां तक हमें अचीव होने के बाद हमने बोला था कि ये 68.21 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां से हमेशा कोई स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स बाउंस बैक देता है, तो हमने देखा था यहीं पर ये सस्टेन हुआ, जैसे कि निफ्टी 50 सस्टेन हुआ था, उसके बाद हमने कंसेक्यूटिव फॉल आते हुए देखी और 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल पर जाके इसने क्लोजिंग दी है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है वो 26,270 के आसपास दिया है, और वो 50 रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर है, जो कि 50 रिट्रेसमेंट लेवल की बात करें तो वो 26,100 है। तो अगर ये कल के सेशन में भी 26,100 के पास वरना उसके ऊपर निकलने में कामयाब रहता है तो हम कह सकते हैं कि कल के मार्केट में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो 26,100 करेगा, और अपर साइड में जो रेंज बनती हुई आ रही है वो 26,450 की बनती हुई आ रही है। 26,450 के ऊपर अगर ये कंसेक्यूटिवली 2 दिन तक ये क्लोजिंग दे देता है, हम देखें इसने 26,450 के ऊपर 1 दिन क्लोजिंग दी थी, उसके ऊपर भी 1-2 दिन क्लोजिंग दी थी, उसके बाद हमने गिरावट आते हुए देखी थी, तो ये गिरावट हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर निकलने के बाद आ जाती है। तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया है जो कि है
50% का रिट्रेसमेंट सपोर्ट का काम, रिट्रेस अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 68.1 रिट्रेसमेंट लेवल। तो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने आपको चार्ट्स के वाइज में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर हम ऑप्शन में बढ़ते हैं तो ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन ओपन करके रखा हुआ था। अगर हम कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको उससे आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा 10,500 का जो लेवल है, 10,600 इसने आप अपनी क्लोजिंग दी है। तो हम देख सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं 10,600 के अंदर 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। पर अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की तो ओपन इंटरेस्ट का जो लेवल है वो 10,500 के पास है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 10,500 में है और वहां पर भी हमने देखा है कि सेकेंड हाईएस्ट हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हुए देखे। तो अगर हम बात करें कि हाईएस्ट जो इसका सपोर्ट का काम करेगा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो 10,500 का करेगा, नेक्स्ट 10,600 का काम करेगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस कहां पर है इसमें। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात ढूंढने में जाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल्स की बात करते हैं, कॉल्स में यहाँ पर अनवाइंडिंग होते हुए देखिए हमने 10,700 के लेवल पे जो कि 11,80,000 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल अनवाइंडिंग हुई है। तो हम कह सकते हैं कि 10,700 का जो लेवल है वो अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, वो आसानी से जो निफ्टी है वो उसके आसपास पहुंच सकता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा सपोर्ट अगर हम इसके लिए ढूंढने जाएं तो दूसरा सपोर्ट मिलता है 10,800 के आसपास, जहां पर सबसे हाईएस्ट कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। और चेंज इन वॉल्यूम की अगर हम बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा हम बात कर सकते हैं सेकेंड हाईएस्ट जुड़े हैं। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तो एक हम बात कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 10,800 का, जो भी आपको मैंने चार्ट में बताया, और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो 10,500 का कर रहा है। तो ये एक रेंज बनती भी आ रही है चार्ट के अंदर और ऑप्शन के अंदर। निफ्टी और बैंक निफ्टी करके मार्केट में कैसा जा सकता है, अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स भी चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी बताते भी रहता था और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ भी था। अगर आप मेरी सर्विस चाहते हैं तो आप एक बार उन वीडियोस को चेकअप कर सकते हैं, उसमें मैंने सर्विसेज अपनी कॉस्ट सब रखी हुई। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप पेड सर्विस ले सकते हैं, वरना तो मैं आपके लिए फ्यूचर प्लान्स लेकर आने ही वाला हूं जिसमें आपको मैं सारी चीजें सिखाने वाला हूं, जो पूरे यूट्यूब के अंदर पहली बार आपको ये चीजें सिखाने वाला होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज इस वीडियो को खत्म करते हैं, कल नए मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। कमेंट में मुझे जरूर बताइए आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, कैसे पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को एक थम्स जरूर दे दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मोटिवेशन वीडियोस पसंद आती है। तो मैं इसके साथ खत्म करता हूं, कल मिलता हूं नई वीडियो के साथ।